Hi, students. I'm Rohini, and you're watching Utopia Students. Today, we will complete the rest of the part of the lesson The Merchant of Venice. Students, so we read in the last part. कि उसने क्या किया पोर्शिया ने उसको बोल दिया कि ठीक है आप जो है वन पाउंड फ्लैश ले सकते हो लेकिन जो है ड्यूरिंग दैट टाइम ना उसको ज़रा सी भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए ब्लड नहीं गिरना चाहिए और ना ही उसकी डेथ होनी चाहिए एंटोनियो की ठीक है तो उसके बाद आगे शाइलॉक क्या बोलता है इज दैट शाइलॉक इज दैट वट द एग्रीमेंट सेज क्या ये एग्रीमेंट में बोला गया है तो पोर्शिया क्या बोलती है नॉट एग्जैक्टली वर्ट द एग्रीमेंट सेज बट कॉन्ट यू अलाउ सो मच वर्सी बोलती है कि नहीं एग्रीमेंट में तो नहीं बोला गया है लेकिन क्या तुम इतनी भी दया नहीं दिखा सकते हो इट वुड बी गुड फॉर यू टू डू द लिटल चैरिटी ये आपके लिए अच्छा होगा आपके लिए ही ये अच्छा होगा कि अगर आप ये थोड़ी सी दया दिखा दें शाह बट दैट्स नॉट वर्ट द एग्रीमेंट सेज लेकिन ये बात जो है एग्रीमेंट में नहीं कही गई है पोर्शिया वल मर्चेंट हैव यू एनीथिंग टू से तो पोर्शिया एंटोनियो से पूछती है कि तुम्हें कुछ कहना है तो एंटोनियो क्या करता है एंटोनियो विद्स फेयर वेल टू हिस्स फ्रेंड्स एंड आस्क देबर विद हिम हिम विद फोन दे टर्न दे इन टर्न एक्सप्रेस देयर ग्रीफ At having to lose such having having to lose such a dear friend and swear so faithful to एंटोनियो शाइलॉक मीन वायल इज़ गेटिंग इमपेशेंट तो क्या होता है एंटोनियो क्या करता है वो करता है? कुछ नहीं है वो सिर्फ क्या करता है अपना जो फ्रेंड होता है उसका बेसैनियो उसको फेयरवेल उसको अलविदा बोलता है उसको फेयरवेल वेट करता है अलविदा बोलता है उसको ठीक है और जो बेसैनियो होता है वो भी क्या करता है बहुत ही दुखी होता है कि उसको अब इतना अच्छा और इतना रियल फ्रेंड जो है उसको खोना पड़ेगा ठीक है लेकिन वो शाइलॉक को देखता है कि शा, लेकिन शाइलॉक क्या करता है शायलॉक जो है बिल्कुल इम्पेश हुआ जा रहा है वो मतलब उसमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं है वो सोच रहा है कि कब वो आए और कब मैं उसके बॉडी का जो फ्लैश है वो कट करूं तो शायलॉक बोलता है वी आर वेस्टिंग टाइम प्लीज डिलीवर द सेंटेंस कि हम तो टाइम वेस्ट हैं जल्दी से सजा सुनाओ तो पोस्ट क्या बोलते हैं अपाउंट ऑफ़ दिस मर्चेंट फ्लैश इज court द कोर्ट and एंड लॉ it. तो बोलती है ठीक है इस मर्चेंट यानी एंटोनियो का एक पाउंड फ्लैश आपका है ठीक है कोर्ट और लॉ जो है आपको ये देता है ठीक है आपको ये आप अथॉरिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं आपके पास ये राइट right है तो को क्या बोलता है मोस्ट राइटफुल जज यानी क्या बोलता है बहुत अच्छी बात है ठीक है उसको तारीफ करता है वो पोर्शिया एंड हैव यू कट दिस फ्लैश फ्रॉम हिज चेस्ट तो बोलती है कि आप जो है इसकी चेस्ट से ये फ्लैश कट करेंगे द लॉ अलाउ इट ठीक है कोर्ट इसको अलाउ करता है एंड द कोर्ट अवॉर्ड इट और ये कोर्ट जो है आपको देता है तो शाह फिर उसकी तारीफ करता है मोस्ट लर्न जज अ सेंटेंस कम प्रिपेयर बोलता है बहुत अच्छे हो आप बहुत अच्छे जज हो ठीक है अब सजा का टाइम हो गया जल्दी आओ तो पोर्शिया बट वेट अ मोमेंट देर इज समथिंग एल्स बोलती है लेकिन थोड़ी देर के लिए वेट करो अभी कुछ और भी है जो रहता है दिस एग्रीमेंट डज नॉट गिव यू एनी ब्लड एट ऑल बोलती है लेकिन इस एग्रीमेंट में आपको ये बताया गया है कि बिल्कुल भी ब्लड नहीं आपने लेना है ठीक है ना ब्लड गिराना है ठीक है और ब्लड ब्लड बिल्कुल भी आप गिरा नहीं सकते हो Uh, ये एग्रीमेंट में बोला गया है द वर्ड एक्सप्रेसली स्पेसिफाई अ पाउंड ऑफ फ्लैश सिर्फ एक मास बोला गया है कि एक पाउंड फ्लैश आपको मिलेगा ठीक है सो टेक योर पेनल्टी ऑफ पाउंड ऑफ फ्लैश तो सिर्फ आपको मास ही लेना पड़ेगा बट इफ यू शेड वन ड्रॉप ऑफ ब्लड यू कट इट द स्टेट ऑफ वेनिस विल कन्फेस्टिकेट योर लैंड एंड प्रॉपर्टी अंडर वेनिशन लॉ तो बोला गया है लेकिन अगर एक बूंद भी अगर ब्लड की गिराई ना आपने तो जो स्टेट है और वैनिशन जो लॉ है जो कानून है वेनिश का उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट ले लेगा तो आगे शाइलॉक क्या बोलते हैं शायलॉक पूछता है इज दैट द लॉ क्या ये लॉ है पोर्शिया यू कैन सी योर सेल्फ यस बिल्कुल हाँ देख सकते हो आप uh, यू आस्क फॉर जस्टिस आपने जस्टिस के लिए बोला था सो रेस्ट अश्योर दैट यू विल गेट जस्टिस एंड मोर देन यू डिज़ायर तो बोलता है इसलिए सबको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आपको जस्टिस मिली है जितना आप चाहते थे उससे ज़्यादा जस्टिस मिली है आपको तो शायद क्या बोलता है इन दैट केस आई टेक देअर ऑफर बोलता है अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं मैं उनका ऑफर ही स्वीकार तो, कर लेता हूँ जो उन्होंने मुझे बोला था कि पैसे देने हैं वही मैं स्वीकार कर लेता हूँ पे मी थ्री टाइम्स द अमाउंट ऑफ द लोन एंड लेट मी गो एंड लेट द मर्चेंट गो आई टेक दिस ऑफर देन पे द बॉन्ड थ्राइस तो बोलता है कि हाँ नहीं अगर ये ऐसी बात है तो क्या है अब जो अमाउंट है ठीक है जो थ्री टाइम जो अमाउंट है वो लोन जो है आ, वो मैं ले लूँगा ठीक है अमाउंट ले लूँगा जो उसने लोन लिया था उसके बदले में मर्चेंट से ठीक है और उसको जाने दो ठीक है और उसके बाद जो है थ्री बॉन्ड बॉन्ड जो है बाद में फिल कर दूंगा जिसमें जो है मैं मैं ये बता दूंगा कि थ्री टाइम गुना जो है थ्री तीन गुना ज़्यादा मैंने इनसे लोन लिया है तो बसैनियो हेयर इज मनी तो बसैनियो जो है वो जो पहले रेडी होता है पैसे देने के बोलता ठीक है ठीक है ये लो मनी पैसे ले लो आप तो पोर्शिया क्या बोलती है वेट द मनी लेंडर विल हैव जस्टिस बोलती है कि रुको मनी लेंडर को सिर्फ जस्टिस चाहिए वेट डोंट रश ही शैल हैव न थिंग बट द पेनल्टी कि बोलता है कि यहाँ पे बोलती यहाँ पे रश क्रिएट मत करो ठीक है भीड़ मत लगाओ उसको सिर्फ पेनल्टी चाहिए अपना जो भी उसने सजा बोली थी वही उसको चाहिए जो भी उसने पेनल्टी मांगी थी वो चाहिए ठीक है सो गेट रेडी टू कट ऑफ द फ्लैश no नो ब्लड आर कट लेस आर मोर देन एग्जैक्टली pound ऑफ फ्लैश बोलती है कि हाँ अपनी सजा के लिए अपना जो आपकी पेनल्टी है उसके लिए रेडी हो जाओ अपना जो फ्लैश है वो यानी कि एक मांस जो है वो कट करो ठीक है लेकिन उसके साथ जो है ब्लड नहीं गिरना चाहिए और ना ही जरा सा भी कम या ज़्यादा जो है एक पाउंड से कम या एक पाउंड से ज़्यादा आप आप मीट नहीं काट सकते उतना ही काट सकते हैं मांस जितना आपने बोला है इफ़ यू टेक मोर आर लेस देन एग्जैक्टली अ पाउंड इवन इफ इट इज़ जस्ट द टीन्यूअस फ्रैक्शन ऑफ एंड आउंस इफ़ द स्केल चेंजेस बाय इवन सो मच एज अर यू डाई एंड ऑल योर प्रॉपर्टी विल कन्फेस्टिकेटेड तो बोल बोलती है कि एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपने जरा सा भी ज़्यादा या कम जो है एक जरा सा भी एक जरा सा भी टीन्यूअस बिल्कुल थोड़ा सा भी एक आउस के बराबर भी यानी कि एक बा अगर आपने ज़्यादा या कम कट किया और अगर स्केल जो है अगर एक बाल के बराबर भी इधर उधर हिला ठीक है यानी कि जो बैलेंस है एक तरह जो एक एक बाल के बराबर भी इधर उधर हिला तो आपको पक्का क्या होगा आपकी आपको डेथ सेंटेंस दी जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा जब्त कर लिया जाएगा सो वट डू यू पॉज वाई डू यू पॉज आप रुक क्यों गए गो अहेड एंड टेक योर पॉन्ड और फ्लैश तो जाओ और एक पाउंड फ्लैश ले लो और एक पाउंड मास जो है वो ले लो शाय गिव मी माय मनी एंड लेट मी गो बोलता है कि रहने दो मुझे मेरी मनी दे दो और मुझे जाने दो ठीक है पैसे दे दो मेरे और मुझे जाने दो बिशैन्य आई हैव इट रेडी फॉर यू हेयर इट इज़ तो बिशैन्यू फिर बोलता है कि हाँ मैं तो रेडी हूँ पैसे देने के लिए ये जो है आपके पैसे तो पोर्सिया बोलती है ही हैज़ रिफ्यूज इट इन ओपन कोर्ट ही शैल हैव मियरली जस्टिस एंड एंड एग्रीमेंट तो बोलता है कि उसने ओपन कोर्ट में ये रिफ्यूज किया है मना किया है कि उसको सिर्फ जस्टिस चाहिए ठीक है और अकॉर्डिंग टू जो एग्रीमेंट उसको जस्टिस ही मिलेगी तो शाइल ऑफ क्या बोलता है कैन आई नॉट गेट जस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ थ्री थाउजेंड डकेट तो बोलता है कि शायद सिर्फ मुझे थ्री थाउजेंड डकेट जितने मैंने दिए थे उतना ही वापस दे दो मुझे एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए ठीक है पोर्शिया नो नथिंग बट द एग्रीमेंट टेक इट एट योर रिस्क शायलॉक बोलती है कि नहीं एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं रखा गया है अपने रिस्क पर अगर लेने हैं तो ले लो तो क्या बोलता है शायल बोलता है वेल देन लेट हिम रॉट आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू एनी मोर बोलती है बोलता है ठीक हो फिर लेट हिम रॉट मीन्स कि जाने दो उसको भी जाने दो मैं और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ मुझे वो भी नहीं चाहिए वो मना कर देता है तो पोर्शिया क्या बोलती है hmm. पोर्शिया बोलती है वेट अ मिनट शाइलॉक शाइलॉक एक मिनट वेट करो द लॉ हैज अनदर होल्ड ऑन यू एक और भी लॉ है जो आपके ऊपर लगाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला किया जाएगा द लॉ ऑफ वेनिस स्टेट that if a for foreign, foreign resident directly or indirectly attempt to kill any citizen अगर कोई foreign जो uh, resident होता resident होता है ठीक है foreign में रहने वाला कोई भी person foreigner कोई भी होता है अगर वो जो है vanish के किसी भी citizen को मारने की try करेगा तो क्या होगा the person uh, the person he try to kill विल रिसीव वन हाफ ऑफ द फॉरनर गुड्स द अदर हाफ गोज टू द स्टेट तो ऐसे क्या होगा तो क्या होगा कि जिस पर्सन को मारने की कोशिश करेगा उसको आधा आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है उस फॉरनर को दे दिया जाएगा अगर आप पकड़े गए ठीक है और बाकी आधा जो है वो स्टेट को जाएगा वेदर द ऑफेंडिंग पर्सन लिव्स अ डायस इज अप टू द ड्यूक और जो ये क्राइम करेगा ठीक है ऑफेंडिंग पर्सन मीन्स कि जो ये क्राइम करेगा जो, जो भी जो है वहाँ के नेटिव प्लेस नेटिव जो पर्सन को मारने की कोशिश करेगा वो जींदता रहेगा ये मरेगा ये राजा के ऊपर ड्यूक के ऊपर डिपेंड करता है देयर इज नो वन एज टू अपील टू और इसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं कर सकता इन योर प्रमेंट यू हैव अर्न दैट पनिशमेंट बिकॉज यू हैव क्लियरली प्लॉटेड इन डायरेक्टली एंड इन डायरेक्टली टू तो बोलता है कि तुम बोलती है कि तुम्हें भी ये सजा बिल्कुल मिलेगी क्योंकि तुमने भी ये प्लॉट ये काम किया है डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो ठीक है टू टेक द लाइफ ऑफ द डिफेंडेंट और तुमने भी जो है उसकी लाइफ को क्या करने की कोशिश किया उसको मारने की ट्राई की है सो गेट डाउन ऑन योर नेज एंड बैक मर्सी फ्राम द ड्यूक इसलिए क्या करो जो अपने नीज के ऊपर आप जो है बैठ जाओ ठीक है और ड्यूक से माफ़ी मांगो तो ड्यूक क्या बोलता है ड्यूक आई वॉन्ट यू वॉन्ट यू टू सी द डिफरेंस बिटवीन अस तो बोलता है ड्यूक बोलता है कि हम मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोगों में और आप में क्या डिफरेंस है सो आई पार्डन यू इवन बिफोर यू आस्क फॉर अ पार्डन जिससे पहले कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ हाफ ऑफ योर वेल्थ गोज टू एंटोनियो कि तुम्हारा आधा जो वेल्थ है वो एंटोनियो को जाएगा द अदर हाफ गोज टू स्टेट और बाकी आधा जो है वो स्टेट को जाएगा हाउ एवर इफ़ यू शो प्रॉपर ह्यूमिलिटी आई मे रिड्यूस दिस पेनल्टी टू अ फाइन फिर भी अगर ज़रा सी इंसानियत भी दिखा दो तुम तो क्या है मैं अब इसको भी कम कर सकता हूँ और सिर्फ फाइन लगा लगा के आपको छोड़ सकता हूँ तो पोर्शिया क्या बोलती है द स्टेट्स हाफ कैन भी रिड्यूस बट एंटोनियोस बोलती है कि ठीक है स्टेट का हाफ आप छोड़ दो लेकिन जो एंटोनियो का हिस्सा है वो तो नहीं वो छोड़ने वाला एंटोनियो को तो मिलेगा ही मिलेगा शाह नो टेक माई लाइफ एंड ऑल वाई पार्ड एन दैट बोलता है कि नहीं मेरी लाइफ भी ले लो सब कुछ ले लो मुझे क्षमा मत करो ठीक है क्यों मुझे क्षमा करनी है यू टेक माई हाउस वैन यू डू टेक द प्रॉप दैट स्पोर्ट माई हाउस बोलता है कि जब मेरा घर ही ले, ले लेंगे उसमें रखा हुआ सारा सामान ही आप ले लेंगे यू टेक माई लाइफ वैन यू टेक द मीन्स वेर वाई आई लिव तो क्या है uh, आप जो है इसका मतलब ये है कि आप मेरी लाइफ ही ले रहे हो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ जब आप वो सारी चीजें ले रहे हो तो वैसे भी मैं मरी जाऊँगा तो पोर्शिया क्या बोलती है वट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो वो एंटोनियो से पूछती है कि एंटोनियो तुम उसके ऊपर क्या दया दिखा दिखाओगे तो एंटोनियो क्या बोलता है इफ़ प्लेज प्लेज इज माई द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर वन हाफ ऑफ हिज गुड्स तो क्या बोलता है कि अगर जो है आ, ड्यूक को बोलता है कि अगर जो है ड्यूक चाहे अगर राजा चाहे ठीक है तो क्या करता है वो अपनी आधी जो प्रॉपर्टी है वो छोड़ सकता है जो मतलब जो आधा हिस्सा एंटोनियो को मिलने वाला है वो छोड़ देगा ठीक है आई एम कॉन्टेंट मैं ठीक हूँ बोलता मैं कॉन्टेंट हूँ संतोष है मुझे कोई ऐसी कोई बात नहीं सेटिसफाई हूँ बट लेट हिम प्लेस द अदर हाफ इंटरेस्ट विद मी लेकिन क्या है लेकिन जो आधा हिस्सा है ओ, उ, जो कि मुझे दिए जा रहा है फॉर द जेंटलमैन हु स्टोल हिज डॉटर्स हर्ट लेकिन अगर ड्यूक बोले तो मैं एक ये करना चाहता हूँ कि उस आधे हिस्से को छोड़ तो मैं दूंगा लेकिन मैं उस पर्सन को देना चाहूँगा वो हिस्सा जिस जिसको जो है जिसका हर्ट जो की डॉटर का हर्ट जिस जेंटलमैन ने चुराया है यानी कि जिस जेंटलमैन के साथ शायलॉग की डॉटर की शादी हुई है उसको देना चाहूँगा मैं आधा हिस्सा सेकेंडली ही मस्ट मेक अ विल इन दिस कोर्ट लिविंग एवरी थिंग ही पोजिस टू हिज डॉटर एंड सन इन लॉ लॉरेंजो वन ही डाइज तो बोलता है और साथ में उसको क्या करनी पड़ेगी एक विल बनानी पड़ेगी जिसमें उसको ये बताना पड़ेगा कि उस उस ये कन्फेस करना पड़ेगा उसको कि अपने मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी डॉटर को और उसके सन इन लॉ लॉरेंजो को जाएगी डॉटर के हस्बैंड को जाएगी तो जो क्या बोलता है ही शैल डू दिस तो बोलता है हाँ वो ये तो पक्का करेगा और एल्स आई विल डिनाई द पार्ट दैट आई प्रोनाउंस हेयर बोलता है अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो मैं भी वो जो माफ़ माफ़ी इसको दी है वो मैं मना कर दूँगा जो मैंने अभी प्रनाउंस किया है यहाँ पे कि हाँ इसको मैं माफ़ कर दूंगा आर यू कॉन्टेंट शाइलॉग वट यू से तो बोलता है शायलॉक तुम सेटिस्फाइड हो क्या कहते हो शायलॉक आई एम कॉन्टेंट शाइलॉग बोलता है हाँ मैं कॉन्टेंट हूँ ठीक हूँ मैं तो पोर्शिया क्लर्क ड्राफ्ट अ विल फॉर शायल द मनी लेंडर तो पोर्शिया बोल क्लर्क को बोलती है कि एक जो है बिल बनाओ विल बनाओ विल होती है वसीयत बनाओ ठीक है जो शाइलॉ शाइलॉक की विल रेडी करो ठीक है मनी लेंडर जो शाइलॉक है उसकी विल रेडी करो तो उसके बाद क्या होता है शाइलॉक क्या बोलता है प्लीज़ अलाउ मी टू लीव कि प्लीज़ मुझे जाने दो आई एम नॉट वेल मैं ठीक नहीं हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है सेंट डीड आफ्टर मी ये जो काम करके जो है मुझे भेज देना ठीक है आई साइन इट मैं साइन कर दूँगा ड्यूक गो बट डू इट ड्यूक उसको दे देता है अलाउ कर देता है ठीक है जाओ पर लेकिन ये करना जरूर ठीक है सो इन दिस वे द लेसन इज एंड तो उसका एंड हो जाता है और इसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा यहाँ पे विलियम शेक्स की पियर के बारे में कि शेक्सपियर की जो क्या हुई थी उसका बॉर्न हुआ था फिफ्टीन सिक्सटी फोर और उसकी डेथ हुई थी सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटीन में वाज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट वो एक इंग्लिश पोइट था और प्ले राइट था वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ड्स प्री एमिनेट ड्रामाटिस्ट तो वो वो क्या था जिसको जो है एक जो कि एक बहुत बड़ा राइटर था इंग्लिश लैंग्वेज का और एक बहुत ही फेमस जो है ड्रामाटिस्ट है जो ड्रामा लिखने वाला था आ, वो था ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पॉइंट और उसको इंग्लैंड का नेशनल पॉइंट भी बोला जाता था और बॉर्ड ऑफ एवन भी उसको बोला जाता था ये उसको जो है पोजिशन दी गई थी बॉर्ड ऑफ एवन की सो दैट ऑल अब आउट द लेसन आई होप यू अंडरस्ट इट थैंक यू एंड है नाइस से